सलकनपुर को सीएम शिवराज की सौगात। बिजासन मैया का बनेगा भव्य मंदिर। कांग्रेस पर क्यों लगाया धोखा देने का आरोप। मेरी बहनों, ऐसा भव्य मंदिर मैया का बन रहा है कि पूरी दुनिया देखने आएगी, पूरी दुनिया देखने आएगी। सवा साल कमलनाथ और कांग्रेस क्या आई, एक पत्थर एक गिट्टी नहीं लगी हमारे क्षेत्र में। तो सलकनपुर में अपनी देवी मैया का मंदिर, सलकनपुर वाली मैया, अपने बचपन से श्रद्धा और आस्था का केंद्र। मेरी बहनों, ऐसा भव्य मंदिर मैया का बन रहा है कि पूरी दुनिया देखने आएगी, पूरी दुनिया देखने आएगी, और माँ की कृपा हम सब पर बरसेगी। विकास के कामों की बात करें, स्कूल हो, पुल पुलिया हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, कोई कसर नहीं छोड़ी। आप बताओ, इतने काम कभी कांग्रेस की सरकार में हुए थे क्या? ये भी जोर से बोल के बताओ, हुए थे क्या? सवा साल कमलनाथ और कांग्रेस क्या आई, एक पत्थर एक गिट्टी नहीं लगी हमारे क्षेत्र में। लेकिन अपन ने लगातार कोशिश की। कोई सोचता था कि बुधनी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, 750 करोड़ रुपया का मेडिकल कॉलेज, कोई कल्पना करता था क्या? जितने विकास के काम संभव थे सब करने का दिन और रात, और पूरे प्रदेश में कर रहा हूं। पूरा प्रदेश आज बदल रहा है। पूरे प्रदेश में भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ के पहले 11,000 थी, अब 1,40,000 रुपया हो गई। बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदले इसलिए कई योजना बनाई। पहले लाडली लक्ष्मी बनाई ताकि बेटी बोझ ना समझे। नहीं था जिसने तय किया कि गरीब बिटिया की शादी में परिवार पर बोझ ना आए, इसलिए बेटियों की शादी करना शुरू की। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मैंने बनाई। हमने तय किया कि सरपंच जैसे चुनाव में भी बहनों को आधी सीटों पर रिजर्वेशन देंगे, ताकि मेरी बहन और बेटियां भी सरपंच बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, नगर पंचायत में जाए, जिला पंचायत में जाए। अगर मैं ये रिजर्वेशन नहीं देता जुगल, अगर मैं रिजर्वेशन नहीं देता तो बन जाती क्या सरपंच? बनने ही नहीं देते। कहेंगे हम लड़ेंगे, तू तो रोटी बना। लेकिन हमने तय किया कि बहनों को भी गांव की और शहर की सरकार चलाने दो। कई काम देखो, बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए अभी जिनने 12वीं में 75% नंबर लाए, 25,000 रुपया मैंने उन बच्चों के खाते में डलवाए ताकि वो लैपटॉप कंप्यूटर खरीद के बढ़िया पढ़ाई कर सके। पांचवी पास करके छठवीं में जो बच्चे दूसरे गांव जाते हैं उनके खाते में अभी 4,500 रुपया साइकिल के लिए डालने वाला हूं। 8वीं पास करके 9वीं में जो जाते हैं दूसरे गांव उनके खाते में भी 4,500 रुपया डालने वाला हूं। और अपने बाया के स्कूल में भी, हाई स्कूल में 12वीं में, बाया हो चाहे और कोई गांव, जो 12वीं में एक बेटा और एक बेटी सबसे ज्यादा नंबर लेके आई है उसको मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाने वाला है, ताकि उस पे बैठ के वो कॉलेज की पढ़ाई करे,